ईरान का इसराइल पर करारा पलटवार। क्या ईरान ने किया इसराइल से अपने हिजबुल्ला चीफ नरसल्ला की मौत का बदला? क्या शुरू हो गया है मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध? दरअसल ईरान ने बीते दिन मंगलवार को इसराइल पर लगभग 200 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि अटैक गार्ड कमांडर और अन्य नेताओं की हत्या के मकसद से किया गया है। इसराइल ने कुछ दिन पहले ही हिजबुल्ला चीफ नरसल्ला को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ईरान तिलमिला उठा और उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मिसाइलें की बारिश कर दी। हमला ऐसा था कि कई मिसाइलें तो इसराइल के रिहायशी इलाकों में आकर गिरी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में इसराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने सभी लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दे दिए थे। इसराइल की तरफ ईरान की ओर से छोड़ी गई कई मिसाइलें तो जमीन पर आकर गिरी। ज्यादातर हमले गाजा पट्टी से सटे पश्चिमी इलाके में किए गए हैं। हालांकि इजरायली मिसाइलें डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने काफी मात्रा में मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। बता दें कि हमले की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आयरन डोम की मदद से ईरानी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान द्वारा दागी गई कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के टैंकों को निशाना बनाया है। ईरान और इसराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान ने सरकारी टेलीविजन पर देश के अरब कौम और तेहरान में लोगों को इसराइल पर मिसाइल दागे जाने का जश्न मनाते हुए भी देखा गया। जश्न मनाते लोगों में से कुछ चिल्ला रहे थे, अल्लाह हो अकबर, अमेरिका का नाश हो, इसराइल का नाश हो। इसराइल पर हमले के बाद ईरान ने एक और चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है, अभी और हमले होंगे।